गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग एंड लुक एट दिस। तो देख सकते हो अभी जो है बहुत तेज हो गया है स्नोफॉल, और आज तो भाई पता नहीं क्या होगा। हम लोग जा पाएंगे? ओए गिरा। सो अभी हम लोग को जाना है गंडोला राइड के लिए। अब पता नहीं क्या होगा संगो। हम लोग तो तैयार हो गए सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर, और एक बार इधर से दिखाते हैं आपको। इधर से कुछ नहीं दिखा रहा है, इधर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वाओ ये देखो बाहर का नज़ारा। कुछ देख सकते हो सब कुछ जो है एकदम ढक गया एकदम बर्फ से जो है। और आज तो कुछ नहीं दिखाई देगा यार। आज जा पाएंगे कि नहीं गंडोला हम लोग? आई डोंट थिंक सो वी कैन गो। देख सकते हो चारों तरफ, ये रहा हम लोग का होटल। इसका हालत देखो, झारो झारो झारो। और ये देख सकते हो बर्फ जो है इतना कॉटन जैसा है, देखो इतना कॉटन जैसा, इतना सॉफ्ट है। देख सकते हो देखो हल्का छूने से आ जा रहा है। देखो वाह कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आज हम लोग को चेंज वाला लेके गाड़ी लेके जाना पड़ेगा नीचे तनमर्ग तक, बिकॉज हम लोग का जो गाड़ी है वो आएगा नहीं। भैया को पता था कि स्नोफॉल होगा, तो भैया पहले कल ही जो है नीचे चल गए थे गाड़ी लेके अपना। चलो अभी करते जाके हम लोग ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जो है प्लान करेंगे क्या किया जाए आज का। आज यहाँ पर रहना होगा तो पता नहीं और रूम भी मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे बहुत रश चलता है गुलमर्ग में जो है, होटल्स नहीं मिलते। सो एनीवेज लेट्स सी। ठंड में जो है भूख ज़्यादा लगी अभी। तो बस अभी थोड़ा हम लोग निकले हैं, और आज जो है गंडोला का प्लान शायद कैंसिल ही होगा। गंडोला चल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा विंड है, और हम लोग क्या करें सोच रहे हैं अभी, मूड बना रहे। वैसे तो निकले हम लोग, स्नोफॉल कम ही नहीं हो रहा है, और देख सकते हो क्या हालत हो रखा है सब जो है। सो पता नहीं, देखते हैं अभी निकले जितना टाइम हो सके थोड़ा यहीं पे जो है फोटो वगैरह खींचते, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करते। बचा अभी तुम भी देखना, बाप रे बाप बहुत ज्यादा स्लिपरी है, लेकिन बर्फ का चद्दर एकदम हो गया देखो। क्या मौसम हो रखा है आज, कुछ आर पार नहीं दिख रहा है। साइड साइड होके जाना, गाड़ी फिसलता है। ये देखो पूरा एकदम ऐसे मत करो, खुला पूरा अंदर कॉटन कॉटन लग रहा है। हाँ मेन रोड में चलना है, लेकिन बहुत दिक्कत है क्योंकि क्या होता है ना कि सारी गाड़ी तो बहुत फिसलते हैं, फिसल के आपके ऊपर भी आ सकते हैं, तो दिक्कत है इस मौसम में जो है इस तरह जो है मेन रोड में चलना। बाप रे बाप, ओ देखो ये लोग को क्या हो गया। और यहाँ से देख सकते हो सारे जो यहाँ से स्लेज स्टार्ट होते हैं अगर गंडोला के लिए जाना होता है। सो यहाँ पर पूरा भीड़ है देख सकते हो, तो बहुत सारे स्लेज है यहाँ पर, सब इधर से होके जाते हैं या तो इधर से भी जा सकते हैं मेन रोड के। आज तो पूरा रास्ता एकदम बर्फ ही बर्फ है। हाँ वही, जल्दी 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 स्लेज लाओ। सो फाइनली गंडोला स्टार्ट हो चुका है, अभी न्यूज में आया है, न्यूज में आया है, मेल है। तो अभी जब भागते हैं चलो जल्दी जल्दी जो है स्लेज पकड़ते हैं और निकलते हैं। एटीवी तो मिला नहीं, एटीवी बहुत ज्यादा रश है, एटीवी मिलना मुश्किल है, एटीवी का बहुत मरामत चल रहा है क्योंकि आज जो क्या ना वो गंडोला बंद है। तो टोटल 60 ही बाइक है यहाँ पर, तो इसलिए जो बहुत ज्यादा रश है, और गाड़ी गंडोला नहीं है तो सब लोग जो है एटीवी में ही चल रहे। जो देख सकते हो गाड़ी फंस जाता है, ओए वो क्या फिसल रहा है वो गाड़ी। ये नीचे जाम है ना? हाँ नीचे वो शीशा लगा है, हाँ ऊपर बर्फ पड़ गया ना जो लगाओ।
भाई गाड़ी जा कहाँ रहा है? उधर से रास्ता है क्या? हाँ जी आप ही रहोगे? बस भाई फिर से हम लोग का भाई मेरा राइड ना आ जाओ कल के बंदे है ना। हाँ कभी तो हाँ भैया को भी पता है मेरा मेरा राइड है। चलो चलो हेल्पर के लिए फोन। नहीं नहीं हेल्पर के लिए फोन रखते भाई पता है पीछे से धक्का दूंगा यहाँ पे थोड़ा जो रेस है भाई तेरा मेरा पता चल रहा है पिछवाड़ा जो है छिल जाएगा आज तो मजा भी आ रहा है। बर्फ ज्यादा घिरने से ना ठंड कम लगता है, सच में नहीं लग रहा इतना उल्टा मेरे को गर्मी लग रहा है अंदर से। और इरफान को पैसा दे दिए, वो चलाया गया है गंडोला के लिए, वो जाके हम लोग के लिए जो टिकट निकालते हैं क्योंकि लाइन लगता है बहुत ज्यादा। यार देखो क्या है, क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वाह आप लोग को रास्ता कैसे पता चलता है? ओ ये देख देख के ना गलती से इधर से चल गया तो चलता है। हाँ रास्ता हाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरा आंखों में ना तो धुंधला धुंधला हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अजीब हो गया है। देख सकते हो चारों तरफ जो है कुछ नहीं है। वाओ नाइस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सच में। सो स्नोफॉल के कारण रोड्स बहुत स्लिपरी हो गया था और चलने में भी दिक्कत हो रहा था हम लोग को। और हम लोग के होटल से गंडोला काउंटर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। सो हम लोग ने सोचा कि चलो आज भी स्लेज कर लेते, इवन तो मन नहीं कर रहा था क्योंकि बोर हो गए थे स्लेज से, बट फिर सोचा कि चलो आज भी कर लेते। और जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया 500 रुपीज पर पर्सन का अप एंड डाउन। और यहाँ पर देख सकते हो सब लोग जो है स्कीइंग कर रहे हैं, इतना बर्फबारी में भी जो है स्कीइंग चल रहा है। ये स्कीइंग वाला एरिया कल हम लोग यहीं पर आए थे। ये ट्रीज देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। क्रिसमस ट्री देखो वाओ यहाँ पे देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए भी गंडोला राइड के जो काउंटर पर, यहाँ से स्टार्ट होता है गंडोला राइड। और इस साइड देख सकते हो क्या जगह है, आ जाओ। जगह इतना कम है ना डर लगता है पूरा। जाओ आप चाहो तो एटीवी राइड भी कर सकते हो गुलमर्ग में, जहाँ वो लोग कुछ 3 किलोमीटर घुमाते हैं आपको और जिसका प्राइस वो लोग चार्ज करते लगभग 1,000-1,200 के आसपास। और हम लोग को भी मन था करने का बट हम लोग को मिला नहीं उस दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था एटीवी राइड का, बहुत लिमिटेड एटीवीज है वहाँ पर और लोग बहुत ज़्यादा है तो एटीवी मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। टिकट ले लिए? टिकट ले लिया मैंने। हाँ चलो का लिया हुआ है। हाँ यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है ना। हाँ चलो। सो इरफान ने टिकट ले लिया, बस हम लोग का अभी जाना है, लाइन लगना है क्योंकि बहुत लंबा लाइन होता है गंडोला के लिए। और ये जहाँ गंडोला यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा पाइन ट्रेस के बीचों बीच से होके होते जाएगा। चलो भाई अंदर से ऊपर से जो है बर्फ किसी के ऊपर गिर गया ना। हाँ ये गिर गया तो खत्म, बाप रे ऊपर से गिरा यहाँ पर धम। देख सकते हो काफी लंबा लाइन लगता है यहाँ पर। गुलमर्ग फेज वन तक का टिकट प्राइस है 740 रुपीज पर पर्सन और फेज टू के लिए आपको अलग से 950 रुपीज पर पर्सन पे करना होता है। और गुलमर्ग गंडोला जो है वो है सेकेंड हाईएस्ट गंडोला इन द वर्ल्ड। सो फाइनली वी आर इनसाइड द गंडोला और इस गंडोला में छमती नहीं है बस। और क्या खूबसूरत लग रहा है ये जगह देख सकते हो। अभी हम लोग चल रहे हैं 7,000 फीट ऊपर फेज वन तक जा रहे हैं हम लोग। और फेज टू अगर जो लोग जा रहे हैं वो मतलब 13,500 फीट ऊपर है तो हम लोग फेज टू नहीं जा रहे हैं। फेज टू खुला है अभी नहीं जा रहे ना पूरा फेज टू नहीं आज चल रहा है। सुबह तो मतलब थोड़ा नहीं चल रहा था क्योंकि ये ज्यादा विंड हो रहा होने से क्या होता है ना ये हिलता है तो बंद था। अभी जैसे ही खुला सब लोग जो भागे एकदम
एकदम भीड़ हो गया। बाप रे, तिरुपति के दर्शन जैसा हो गया। इतना ज्यादा भीड़ है भाई, गंडोला आ रहे हो तो भाई टाइम लेके आना, जल्दी जल्दी निकलना। एंड बाहर का व्यू देख सकते हो, क्या खूबसूरत है। लो जी, पहुंच गए अभी हम लोग फेज वन तक पहुंच गए, और ये जा रहा है इधर से, जो लोग रिटर्न हो रहे हैं वो लोग जा रहे हैं, और ऊपर जो एक्टिविटी भी होता है बहुत सारा, जो हम लोग जा रहे हैं अभी। आ जाओ यहाँ पे, जो पूरा देखो माइनस में टेम्परेचर, यहाँ पर देखो पूरा पानी से जम गया है यहाँ पर। ये सेकंड लेवल है। हाँ उधर से ना, और भी ऊपर से जाता है। ये चेयर कार है भाई, चेयर कार में बैठने में हालत खराब हो जाएगा ठंड में। प्रोफेशनल लोग ही बैठते हैं। हाँ यहाँ से इसमें जाते हैं, वहाँ से सिकिंग करते हैं। नीचे कौन जाता है, ऊपर जाते हैं ना? इसमें ऊपर जाते हैं और नीचे नहीं आते। नीचे नहीं आते। अच्छा जी सर, जिनको स्कीइंग करना है तो वो लोग ऊपर जाते हैं और फिर जाके स्की करके आते ना। नॉन स्टॉप जो है स्नोफॉल हो जा रहे हैं आज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्नो बाइक का मजा लेने के लिए, स्नो बाइक एक्टिविटी करेंगे। एंड वो भाई इधर किधर है, इधर देखो पूरा एकदम। इस जगह का नाम है सेवन स्प्रिंग। हाँ अच्छा, सेवन स्प्रिंग इसमें सात जगहों से पानी आता है। सात जगहों से पानी आता है। तो आप कुदरती चश्मा भी बोल सकते हैं। हाँ ओ, ये पानी जमता नहीं है। ये पानी जमता नहीं है सर। ओ देखो लोग इसमें विश मांगते हैं। अच्छा, सिक्के डालते हैं विश मांगने के लिए। विश मांग लो तुम भी, हम लोग भी करेंगे। यहाँ पे ठंड लेकिन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या बताए, बहुत ज्यादा तेज स्नोफॉल हो रही है अभी और नॉन स्टॉप हो रहा है। मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी जाने के बाद इसको बहुत मिस करने वाले, इतना गर्म भी, इतना ठंड है ना। गुलमर्ग फेज वन में अगर आप स्नो बाइकिंग करते हो और शॉर्ट राइड के लिए जाते हो, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं 1000 rupees पर पर्सन का, वो काइंड ऑफ फिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप K4 के लिए जाते हो लॉन्ग राइड में, तो उसमें जो आप बार्गेनिंग कर सकते हो वो लोग चार्जेस कम कर देते हैं। तो बहुत टाइम मिलेगा आप चलाने के लिए। हाँ। लेकिन अभी इतना गर्मी चला नहीं पाएंगे। हाँ। तो शॉर्ट राइड ले रहे हैं संगो उस बाइक पर। हम लोग चलाएंगे भैया, वीडियो बनाते बनाते गिर गए थे थोड़ा, लेकिन बहुत शुक्रिया, कोई खतरा नहीं भाई जाने, शुक्रिया भैया, इसमें कोई खतरा नहीं है। हाँ चिकन फ्राइड राइस हम लोग ने ऑर्डर किया, और यहाँ पर जो है ऐसा रेस्टोरेंट भी है, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है। आप आकर यहाँ पर अपने लंच वगैरह कर सकते हो, तो आपको लंच करके आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके लंच कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, देख सकते हो सारे कुर्सी जो है ऊपर बर्फ जम चुका है, सब ऊपर ऊपर देख सकते हो हर जगह। अभी जो मौसम पूरा क्लियर हो गया, स्नोफॉल फाइनली रुका है थोड़ा, अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, थक गए और डायरेक्ट चलते हैं श्रीनगर। हम लोग गाड़ी वेट कर रहा होगा होटल पर। भाई खूबसूरती देखो इस जगह का, क्या है ये जगह देखो, अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। उधर का माउंटेन दिख रहा है। तो अभी बज रहा है 3-4 बजे जो है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सबको रिटर्न होना होता है, क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलते गणेश भाई गुलमर्ग चलो।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्नो चेयर वाले गाड़ी में तनमर्ग तक। तो स्नोफॉल के कारण हम लोग को गुलमर्ग से तनमर्ग के लिए स्नो चेन वाला गाड़ी हायर करना पड़ा, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया 1000 रुपीस वन वे का। और अगर आप दोनों साइड का लेते हो, गुलमर्ग टू तनमर्ग और तनमर्ग टू गुलमर्ग का भी, तो उसके लिए जो आपको 2000 रुपीस पे करना होगा एक पूरा व्हीकल के लिए, जिसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठ के जा पाएंगे। बाय बाय। ओके सर। हाँ बढ़िया। अच्छा दीदी। हाँ चलो यार, बाय बाय।